सगी बहन को गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि आगरा जिले के ताज नगरी में बीते शनिवार को संपत्ति विवाद को लेकर बहन को गोली मारकर मौत के घाट उतारने वाला आरोपी भाई को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घटना में प्रयोग पिस्टल भी बरामद की है। एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि आरोपी निक्कू अपनी बहन पूनम के अमर्यादित व्यवहार और संपत्ति पर जबरन हिस्सेदारी मांगने पर नाराज था। इस काम में भाभी नीरू भी बहन का साथ देती थी। वारदात वाले दिन पूनम और भाभी नीरू बाजार से ताला खरीद कर लाई और घर के बाहर बनी मार्केट की दुकानों में ताला लगाने लगी। पूछताछ के अनुसार निक्कू ने बहन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पूनम नहीं मानी, जिसके बाद गुस्से में निक्कू ने ऑटोमेटिक पिस्टल से बहन और भाभी पर फायरिंग कर दी, जिससे पूनम के सिर में गोली लगने से मौत हो गई, जबकि भाभी नीरू के साथ हाथ से गोली पार हो गई। पुलिस का कहना है कि पूनम को जिस ऑटोमेटिक पिस्टल से गोली मारी गई थी, उसे आरोपी निक्कू की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। उसी पिस्टल से निक्कू ने पुलिस पर भी फायर किया, लेकिन पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। कहा कि आरोपी निक्कू चौधरी पर पूर्व में ही एक हत्या सहित चार गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। आरोपी को बहरहाल जेल भेज दिया गया है। शनिवार को दोपहर 12 बजे पुलिस को सूचना मिलती है कि सागर थाना क्षेत्र में एक गोलीकांड हुआ है, जिसमें पूनम चौधरी नामक महिला की मृत्यु हो गई है। और वहाँ आस पड़ोस के लोगों के द्वारा, प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा ये बताया गया कि ये हत्या निक्कू चौधरी ने की है, जो उनका भाई है, और मौके पर उनकी भाभी नीरू चौधरी भी वहीं पर थी और वो इसमें घायल हुई थी। उनके द्वारा दी गई तहरीर में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके बाद फरार चल रहे निक्कू चौधरी के लिए दबिशें दी गई और निक्कू चौधरी को पुलिस ने दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया है और उनके पास से जिस असलहे से उन्होंने ये गोलियां चलाई थी वह असलहा बरामद किया गया है और उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। क्या कुछ घटना में निकल गया है? बड़ा आपराधिक इतिहास है इनका, पुराना आपराधिक इतिहास है। पुराने इनके ऊपर कुल 5 मुकदमे हैं, जिसमें पहले का भी एक मर्डर का मुकदमा इनके ऊपर है। हत्या की वजह मुलजिम जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उनकी बहन का अमर्यादित व्यवहार उन्हें और उनके परिवार को पसंद नहीं था और उस दिन भी उनसे गाली गलौज हुई थी और उनकी जो भाभी है वो और उनकी बहन मिलकर उस दिन उनके जो दुकान थे उस पर ताले लगा रहे थे और जैसा कि घटनास्थल पे हमने भी देखा था कि वहाँ बहुत सारे ताले पड़े हुए थे। तो ये दो कारण है जो कि इस घटना का कारण समझ में आ रहा है अभी तक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।